हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। शिव शक्ति टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिमेंट और फिलामेंट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिलामेंट के बारे में। यह प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और यह टंगस्टन का बनाया जाता है। जहाँ पर भी हमारे को प्रकाश उत्पन्न करवाना होता है वहाँ पर हम फिलामेंट काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। ये जो एक लैंप है इसके अंदर हमने फिलामेंट काम में लिया। यह टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट है। जब इस लैंप को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब यह प्रकाश उत्पन्न करेगा इसकी तरह। ठीक है, इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं कि एक जो फिलामेंट लगा हुआ है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर, जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब यह भी प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इस बात से सिद्ध होता है कि जहाँ पर भी हम फिलामेंट प्रयोग करते हैं वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है? यह ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और यह नाइक्रोम का बनाया जाता है। जो नाइक्रोम होता है वह 80% निकिल प्लस 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस बात से हमने ये सिद्ध किया कि जो फिलामेंट होता है वहाँ वह यूज होता है जहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करवाना होता है उन उपकरणों में। ठीक है, जहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न करवानी है उन उपकरणों में हम प्रयोग करते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट के हम उदाहरण देख लेते हैं। यह है एक हीटर। ठीक है, हीटर के अंदर एक जो वायर दिख रहा है यह है एक एलिमेंट, यानी कि हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और यह हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमारे को हीट जनरेट करवानी होती है वहाँ पर हम एलिमेंट काम में लेते हैं। ठीक है, यह एक जो दूसरे प्रकार का एलिमेंट है यह बंद प्रकार का एलिमेंट है, यानी कि इसको एक किसी धातु की नली के अंदर फिट कर दिया जाता है। असल में एलिमेंट बोलते हैं उसको जिसके अंदर ये जो वायर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अगर इसको हम एक धातु की नली के अंदर बंद कर देते हैं तो वह बंद प्रकार का एलिमेंट कहलाता है। बंद प्रकार के एलिमेंट वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ पर हमारे को पानी को गर्म करना होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं इस प्रकार। ये है पानी गर्म करने की रोड। ठीक है, यह भी एक बंद प्रकार का एलिमेंट है और यह है गीजर के अंदर प्रयोग किए जाने वाला हीटिंग एलिमेंट। तो आई होप आज का इस वीडियो में आपने जान लिया होगा अच्छी तरह से कि फिलामेंट और एलिमेंट में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।